हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट वन का एक टॉपिक रह गया था हमारे पिछले पार्ट में, तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट वन जो है वो है आपका 20वीं सदी अवधारणाएं और परिभाषाएं, उसका एक टॉपिक आज की वीडियो में हम कवरअप करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो यूनिट वन है, पाँचवें सेमेस्टर का यूनिट वन है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री बन गया है। तो अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री बन गया है, ठीक है, तो इस ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसके बारे में हम कवर करेंगे। एक वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 20वीं सदी और अवधारणा, ये आपका प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बिकॉज आपका जो SOL का सिलेबस है उसमें भी अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। आपकी बुक्स में भी सेम यही चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा जो टॉपिक रह गया था वो रह गया था समकालीन युग। जब भी हम समकालीन युग की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है 20वीं सदी तथा उस सदी में घटी घटनाएं जिन्होंने वर्तमान को भी प्रभावित किया है, ठीक है। तो समकालीन युग की जब आप बात करते हैं तो आपका सिंपली तात्पर्य होता है कि समय काल से, जो कि है 20वीं सदी का समय काल से होता है, ठीक है, जिसमें कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने वर्तमान को भी काफ़ी प्रभावित किया है। प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, इन्होंने निश्चित रूप से पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया या फिर रूसी क्रांति हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व को आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसको प्रभावित किया है। समकालीन युग, समकालीन युग में अनेक राष्ट्रीय एकीकरण हुए, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य है कि कई सारे राष्ट्र एक साथ हुए, ठीक है, और विशेष रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया और फलस्वरूप अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र राज्यों के भी उदय हुए, ठीक है। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, उपनिवेशवाद समाप्त हो गया था, साथ में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में भी कई जो देश हैं वो स्वतंत्र हुए। फिर आता है 20वीं सदी के चौथे से नौवें दशक, 20वीं सदी का जो चौथे से नौवां दशक था उसके दौरान अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन के बीच में क्या हुआ, शीत युद्ध हमने देखा है, शीत युद्ध के बारे में हमने ट्वेल्थ में पढ़ा। तो ये जो चला था ये चौथे से नौवें दशक के बीच में चला। शीत युद्ध समाजवादी और पूंजीवादी विश्व के बीच संघर्ष को प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो शीत युद्ध क्या दिखाता था कि समाजवादी व्यवस्था जो है और पूंजीवादी व्यवस्था जो है, इनके बीच में काफ़ी बड़े स्तर पर संघर्ष चल रहा है, ये हम शीत युद्ध के द्वारा देख सकते हैं। इस काल को अंतरिक्ष युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में तेजी से अभियान किए गए, अंतरिक्ष में प्रभुत्व की भी होड़ लगी हुई थी। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंतरिक्ष, जो देश थे, पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर अंतरिक्ष में जाना चाहती थी, ताकि वहाँ पे वो अपना क्या कर सके, एक प्रकार से अपना अधिकार जमा सके। इसके बाद डिजिटल क्रांति हुई, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग को जन्म दिया, ठीक है, युग नहीं आएगा यहाँ पर, युग आएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग को जन्म दिया था डिजिटल क्रांति ने। इस युग में सूचना से संबंधित नए नए वस्तु जैसे कंप्यूटर, फोन आदि का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस यही एक दौरान, यही एक समय था जिस दौरान क्या हुआ, कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ था। फिर आता है समकालीन युग में पूंजीवादी, औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की बहुत उन्नति हुई। तो समकालीन युग के दौरान ही पूंजीवादी व्यवस्था में औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की जो उन्नति है, या फिर आप कह सकते हैं उनका विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ था। सोवियत यूनियन ने सक्रियता और राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन का समर्थन किया। सोवियत यूनियन ने क्या करा, सक्रियता और राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन, उदारवादी जो व्यवस्था है उसका आंदोलन का समर्थन किया था। फांसीवाद का पराजय सोवियत यूनियन के बलिदान और वीरता के अभाव पर नहीं, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन है उसके बलिदान और उसकी वीरता का अभाव से फांसीवाद का समाप्त नहीं हुआ, परंतु किस प्रकार हुआ, जो विकसित रूप से प्रतिरोध सेना, ठीक है, जो प्रतिरोधी सेना थी उसमें समाजवादी नीति को अपनाया हुआ था। मतलब एक प्रकार से आप सिंपल से समझ सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो सेना थी उनमें भी कई लोगों ने किस चीज़ को अपना रखा था, समाजवादी नीति को अपना रखा था। तो इसी प्रकार से उनको योगदान मिला और फांसीवाद जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका जो समकालीन युग के बारे में पूरे टॉपिक में, आपको यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको पढ़ने थे, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको
इस वीडियो और पिच जो फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों को आप एक बार में अच्छे से देखिए, बिकॉज यही जो है आपका, अगर इस चैप्टर में से आता है तो इसमें जो हमने पढ़ाया गया है इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उनको भी स्टडी करते रहिए। वीडियो कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वेबसाइट पे आपको हमारे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट से जाके हमारे नोट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।